हाँ दादू, क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? चाचू, अकाउंट्स टैली ठीक से हो रहे हैं ना? मैं फिर से चेक करके आऊँ। बैठ बैठ बैठ। बेटा, तैने तो आते ही काम की बात शुरू कर दी। मैं कहा तो हर समय काम के लिए थोड़ी बुलाऊं। आज मोए हरिमोहन स्वीट संभालने वाले शुभम से ना है, बल्कि अपने बड़े पोते शुभम से बात कर रही। बेटा, तेरी मेहनत और तेरी ईमानदारी का कोई मुकाबला ना है। वो पूरा भरोसा बेटा कि तू अपने दम पे कोई बड़ा काम करके दिखाएगा। लेकिन बेटा, तू इतना बुझा बुझा सो क्यों रहे? शुभम, बाबूजी आज तुम्हें अकाउंट्स की बात करने के लिए नहीं, किसी दूसरे काम के लिए बुला रहे। बेटा, तू हमारे परिवार का बड़ा बेटा है, वही लगे कि अब तो शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, शादी इतनी जल्दी दादू? मेरा मतलब है, मैं अभी सिड और शौर्य की तरह अपने अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं पहले इंडिपेंडेंट हो जाऊं फिर। अरे बेटा, कौन कह रहा है कि तू अपने पैरों पर ना खड़ो? बेटा, तू तो हमारा इकलौता पोता है जो हरिमोहन स्वीट्स के काम को बहुत अच्छी तरह संभाल लो है। अरे बेटा, सिद्धार्थ और शौर्य ने तो अलग राह चुन ली है, पर तेने हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने कंधन पर संभाली है, फिर कैसे कह रहा है कि तू अपने पैरों पर ना खड़ो? बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत भली लड़की चुनी है, तू वह जाने, बल्कि हम सब भी वह अच्छी तरह से जाने, बहुत भली लड़की है और वो हमारे परिवार के साथ भी बहुत अच्छी तरह से घुली मिली है ना, समझो? अरे बेटा, वो और कोई ना है, वो है अपनी मिठाई। मिठाई? हाँ बेटा, मिठाई की चंचलता और तेरी सादगी मिलके तुम दोनों को एक दूसरे को पूरक बना देंगे। मिठाई की मिठास तेरे जीवन में ना है, पूरे घर में अमृत खोल देगी। बाकी हाथन पे मिठाई बनाए भी कोई ना रहे, और अपनी दुकान पे दुकान से लेके कारीगरन तक सब कुछ तू ही तो संभाले। बेटा, तुम दोनों मिलके जो कारोबार पे चार चांद लगा सको, क्योंकि मैं जानू कि तेरे मन में कारीगरन के लिए कितना सम्मान है। अभी तो गिरी संभाल रहा है बिजनेस को, पर बेटा बाद में तो ही संभाल लो, है ना? और बेटा, बाकी लिए मिठाई से अच्छा कोई और साथी है सकेगा? सिर्फ वाकी हाथन में ही हुनर ना है, बल्कि वाकी बातन में, बाकी भावनान में जो रिश्ते इनको निभावे को हुनर है, बाको कोई मोल ना है बेटा, कोई मोल ना है। बेटा, विधि को कोई विधान ही होगो चुबाए हमारे घर में लेके आए होगो। तेरे जैसा सच्चो और बा जैसी निर्दोष अगर आपस में मिल जाए ना, तो खुशियां हमारे आंगन से जावे को नाम ना लेंगी। हाँ बाबूजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुभम, तू भी हमारा बिजनेस संभालता है और वो भी अपनी दुकान खोलना चाहती है, मतलब दोनों की मंजिल एक ही है। ये जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी। गलती से भी हम तेरे लिए कोई ऐसा फैसला ना लेंगे जाको तेरे जीवन पर बुरा असर पड़े। भरोसा है ना तो अपने दादू पे? हाँ दादू।